दोस्तों आज का सीन ये है कि कोई भी सीन नहीं। देखा जोंग का मोबाइल आया Z1, जितनी उसकी प्राइस है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे बेहतर लगा, तो मैंने कहा चलो इसको परचेज कर लेते ऑनलाइन। और ये मेरी पहली ऑनलाइन शॉपिंग है मोबाइल के हवाले से। तो आज कोरियर आके मुझे डिलीवर करके गए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है वो शिपमेंट, मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये अभी आ चुकी है मेरे पास। ये देखें M&P के थ्रू ये डिलीवर्ड हुई है। M&P का कोरियर मुझे देखे गए ऑफिस में, तो अभी आपको भी खोल के दिखाते हैं। ये भी आप देखें बिल्कुल पैक है, आप मैं अभी खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। और मैंने सुना जाऊँ वालों ने गिफ्ट भी दिए, उनका कॉल सेंटर से कॉल आई थी मुझे, तो गिफ्ट भी दिखाते हैं आपको क्या गिफ्ट है। ये आपको अभी दिखाता हूँ कॉल। शिपमेंट ओपन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कटर हो तो ईजी हो जाता है। आपको शिपमेंट जी, तो अभी हमने ओपन किए ये लोगों का मोबाइल है Z1। और ये अपने जोंग के इन्होंने प्यारी, बहुत प्यारी इन्होंने वो की है पैकिंग, PPA के बकायदा साइन उसके स्टैंप लगी हुई है। ये इसका मोबाइल है, अभी खोलेंगे तो पता लगेगा इसमें किस तरह का। और वाह, ये है वो जी गिफ्ट जो जोंग वालों ने मोबाइल परचेज करने पे दिए। तो पहले आपको मोबाइल दिखाते हैं फिर गिफ्ट दिखाते हैं। उस तरह साइड पर इसको साइड पर रखते हैं और अभी इसको करते हैं भी ओपन। इसको ओपन कैसे करना है, सिंपल है, आपने कटर मारने ये ओपन हो जाएगा टेबल से। ये जी पैकिंग हमने खोल ली, पैकिंग को डालें डस्टबिन में और मोबाइल करते हैं ओपन। माशाल्लाह ये रहेंगे, ये है मोबाइल, ये इसके अंदर से निकले। निकल भी नहीं रहा, इसको बाद में देखते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि इसके डब्बे में और क्या क्या है। ये इसके मेरे ख्याल से IMEI नंबर्स हैं और क्या क्या डब्बे में हम अभी दिखाते हैं। ये Zong 4G की तरफ से कुछ, और ये ग्लास प्रोटेक्टर्स हैं इसके, और ये यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है। इसको रखो साइड पे, ये भी यूज़र मैनुअल ही है, इसको भी साइड पे रखते हैं। ये जी इसके हैंड फ्री निकले, हैंड फ्री किस तरह के वो भी दिखाते हैं आपको। ये इसके एंट्री कोई इतने अच्छे नहीं है इसके, मुझे जहाँ तक लगा मैं भी इसके साउंड में अच्छा हो। ये इसको रखो साइड पे, ये इसकी डेटा केबल,
और ये इसका पावर एडाप्टर, ये इसको भी रखो साइड पे। ये इसकी बैटरी Zong 4G इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, और वोल्टेज इसकी लिमिटेड चार्ज 4.35 वोल्ट, और इसकी है 2500 mAh 9.5 वाट्स लिथियम बैटरी है। बैटरी भी इतनी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन चल जाएगा। और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, डब्बा है खाली, तो अभी सब रहते हैं। आपको मोबाइल दिखाते हैं, मोबाइल कैसा है। वेट में तो लाइट सा है, इतना कोई हैवी वेट नहीं है ये। चलो, ये इसका बैक लुक है, इसके इन्होंने पाउच भी साथ ही दिया है, ट्रांसपेरेंट पाउच है ये। और ये इसका फ्रंट लुक है। बैक पे इसके 4G लिखा हुआ, जाऊँ 4G। अभी इसको करो ओपन, इसको ये हो गया इससे ओपन। पहले चाहते हैं जी इसमें सिम, जोन की सिम हमारे पास है, तो मैंने वो डब्बी में रखी है, बहुत सारी सिमें असल में तो इसलिए गुम जाती हैं, डब्बी में डाल के रखी है। ये आपके ऊपर होता है कि आप किसी भी चीज़ का कितना केयर करते हैं। ये देखो सारी सिमें मेरी, तो ये मैंने डब्बी में डाल के रखी है। इसमें कुछ सिम जैकेट्स भी हैं, कुछ मेमोरी कार्ड हैं, एक USB भी है। चलो इस पर रखो साइड पर, हम पहले सिम डालते हैं किधर लगी। सिम वन ये ऑप्शन है, सिम वन हमने डाल दी है। फिर बैटरी डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको करते हैं। और अब मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा ये, लेकिन चलो मंगवाया तो देखते हैं फिर क्या है, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी तो नहीं है। खैर रिमोट भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है प्राइस, ये जी Zong 4G ओपन हो गया। एंड्रॉयड इसमें लिखा हुआ पावर्ड बाई एंड्रॉयड, तो आजकल तो आपको पता ही है सारे फ़ोन ज़्यादातर एंड्रॉयड पे ही आते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग म्यूज़िक थी जो स्टार्ट होने में लेता है। इधर नज़र क्यों नहीं आ रहा। हाँ ये आ गया, तो माशाल्लाह इसमें उर्दू है, उर्दू फीड है, ये देखें आप माशाल्लाह। शुरू में लिखा हुआ ओह माय गॉड, गिरने लगा था। शुरू में लिखा आदाब, और उसके साथ नीचे इन्होंने शुरू का लिखा हुआ है शुरू करें, तो कंट्री इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है। उर्दू ही करते हैं हम, देखते हैं उर्दू में किस तरह का बुक आते हैं। शुरू करें, इसको देख करो हमारी चूँकि उर्दू इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो हम इंग्लिश में करते हैं इसको, इंग्लिश पाकिस्तान के हिसाब से जब भी है। हेलो, इंग्लिश भी होगी। अब इन्होंने दिया हुआ है कि वाईफाई आपने कनेक्ट करनी है, तो वाईफाई आपको बाद में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी इसको करते हैं स्किप कंटिन्यू,
प्रोसेसिंग आप देख लें इसकी, अच्छी है प्रोसेसिंग, नॉर्मल है, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। जनवरी 26 टाइम भी हो रहा है, 55 थी। ओके, नेक्स्ट टाइम हो गया इसका। एडिंग योर नेम ऑलवेज योर फोन टू पर्सनलाइज सम एप्स, इसमें अब आपने नाम डालना है कि कौन, अब तो मैं अपना नाम डालूंगा आगे फिर। पैटर्न रखना है या फिर पिन कोड रखना है तो उसका ऑप्शन आया है, मैं भी रख रहा हूँ पैटर्न, और पैटर्न रखता हूँ ये। नेक्स्ट कंफर्म लोकेशन का ऑप्शन आया है इसमें सारा कुछ, ये गूगल की तरफ से है सारा, तो अभी हम इसको करते हैं स्किप सारा कुछ। एड अनदर ईमेल अकाउंट कंफर्म रिव्यूइंग एडिशन नो थैंक्स, ये भी होगा ओपन। इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है ये, टाइम ज़्यादा ले रहा है ओपन होने में। ये ओपन हो गया माशाल्लाह। ये कैमरा देखते हैं सबसे पहले, इसका कैमरा किस तरह है। लव टू एक्सेस लोकेशन, ये आप इसका व्यू देख लें कैमरे का, ये है मेरा ऑफिस, आपको डबल साइडेड कैमरे में दिखा रहे हैं। वो मेरे एक सीनियर हैं उधर आगे जो चेयर लगी हुई वो रहते हैं उधर, और मैं मेरा अपना ऑफिस इस साइड पे है, तो हम अभी इसी साइड पे रहेंगे, उधर नहीं जाना। चलो जी, ये हो गया इसका रिव्यू, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने चेक करना है इसकी स्पेक्स क्या है। तो स्पेक्स आपको सेटिंग में मिलेंगी, सेटिंग में जाके हम जाएंगे स्टोरेज में,
तो स्टोरेज इसकी 4GB यूज्ड ऑफ 16GB, ये 4GB इसकी जो सॉफ्टवेयर ने ली है पहले ऑलरेडी 16GB, मतलब ये अभी तकरीबन 10GB यूजेबल है, क्योंकि बाकी ये मिसलिनियस जो एप्स वगैरह होते हैं वो फिर ले लेती हैं इसका साइज। और 2GB इसकी रैम है। ये है जी वो मोबाइल जोंग का, आपने देख लिया होगा। ये इसके साथ, ये तो चलो ऑन करके दिखाया मैंने, इसके साथ इन्होंने पाउच भी दिए तो वो हम भी हम डालेंगे पाउच के साथ। ये इसका लुक आ रहा है, ये इसका फ्रंट लुक है। चलो अभी इन्होंने गिफ्ट क्या दिया है वो दिखाते हैं आपको, तो साइड पे रखते हैं। ये जोंग की तरफ से आया है गिफ्ट, पावर बैंक, पावर बैटरी समझो या पावर बैंक समझो। ये भी पूरे पैकिंग में है, ये इसके ऊपर भी जोंग 4G लिखा हुआ है। तो ये पैकिंग खोलेंगे तो आपको इसके साथ भी इन्होंने एक डेटा केबल दी है छोटी सी, और एक ये पावर बैंक। कोई इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा मुझे, ये मोबाइल भी कोई इतना ज़्यादा अच्छी आउट क्लास क्वालिटी का नहीं लगा। ये भी इसके बटन लगे हैं। चलो अब मंगवाया है तो यूज तो करना होगा, खैर जो भी है। इसको करते हैं वापस पैक। तो भाइयों ये था आज का रिव्यू। रिव्यू तो बस इसलिए था कि ये इसकी डिमांड मार्केट में कुछ ज़्यादा है जोंग के मोबाइल की, तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू भी दिखाया कि लोग चलो देख लें कि ये मोबाइल किस तरह का है। बाकी मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, साफ बात है, लेकिन जितने पैसों का है उस हिसाब से ठीक ही है, तो चलेगा। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट किस तरह करना है वो तो आपको पता ही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।